नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अपने फ्रेशर्स दोस्तों के साथ मैं अपनी नॉलेज जो था वो शेयर कर रहा था और उनको बता रहा था कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उनको ये बताते हुए, उनको उनके साथ नॉलेज साझा करते हुए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो एक्चुअली ये कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज से है और जब उनके जो क्लासेस थे या जो मुझे जितना उनके साथ डिस्कस करना था तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसका एक वीडियो बना करके भी मैं ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूं, जिससे कि वैसे मेरे कई दोस्त होंगे जो कि अभी नए होंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हो सकता है कि इसमें कहीं पर आपको कुछ ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए फायदेमंद होगा और आप इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगनर्स का जो सीरीज है इसके आप सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं, हाउ टू क्रिएट वेल्थ इन स्टॉक मार्केट, ये भी उतना ही जरूरी है जैसे मैंने उस पर डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड अ गुड स्टॉक। शेयर मार्केट में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मैं मिला भी हूँ उनको, जानता भी उनको, जिन्होंने जो है वो 10 साल तक स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाया है और 10 साल के बाद उनका जो है जवाब ये रहा, यार स्टॉक मार्केट बहुत ख़राब चीज़ है यार, मैं तो 10 साल तक था, मैंने इसमें बहुत पैसा डुबाया। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलेंगे, यार 10 साल तक मैंने लगाया लेकिन कोई खास मुझे पता नहीं चला इसमें कितना प्रॉफिट है आया, कितना क्या हुआ नहीं आया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। और उसी 10 साल में बहुत से लोगों ने बहुत पैसा बनाया, 3 साल में ही बनाया, 4 साल में ही बनाया, उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया कुछ लोगों ने, मगर ये जो भाई साहब जो जिनका निगेटिव एक्सपीरियंस रहा उन्होंने कोई खास वेल्थ नहीं क्रिएट किया या उल्टा और वेल्थ को डुबा दिया और लॉस किया जस्ट बिकॉज ऑफ अप्रोच। टाइम वही, स्टॉक सारा कुछ, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो अलग अलग था दोनों का, तो एक ने फायदा किया दूसरे ने लॉस किया। तो सबसे पहले जो है आपको चाहिए कि जब आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो एक चीज़ हमेशा आप मतलब एक नियम बना लीजिए कि आपका पैसा बढ़े या ना बढ़े आपका पैसा कम नहीं होना चाहिए। आपको फायदा हो या ना हो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर इस अप्रोच के साथ अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे आप तो आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो है अगर आप ये सोच लेंगे कि नहीं मुझे तो फायदा ही कमा, नुकसान नहीं कमाना है तो किसी स्टॉक में नहीं होगा, नहीं नहीं हो सकता है आपके कोई स्टॉक में पैसा कम आ जाएगा लेकिन आप लॉस को रिकवर कर पाएंगे अगर आपका ये अप्रोच रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये करना है कि आपको स्टॉक चुनते समय ये देखना है कि हम किस तरह का स्टॉक चुन रहे हैं, क्या विजन लेकर के चल रहे हैं, उस स्टॉक में कितना मैं रिस्क ले रहा हूँ और कितना इसके अंदर रिवार्ड मिलेगा, ये इन चीज़ को जो है वो ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी ना न्यूज आया था जेपी इंफ्रा का, उसके अंदर 5% का अपर सर्किट है, ठीक है, जेपी इंफ्रा में 5% का अपर सर्किट है, इसको मैं लिखूं 5% का अपर सर्किट है जेपी इंफ्रा में। अच्छा, चांसेस हैं इसके अंदर कि शेयर हो सकता है डिलिस्ट हो जाए, मे बी जिस तरीके की चीज़ें निकल कर के आ रही हैं हो सकता है डिलिस्ट हो जाए, ठीक है। तो रिस्क हमारा कितना आया, बहुत हाई रिस्क पे है, हमारा जो रिस्क है वो बहुत हाई है इस केस में क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट जा सकता है अगर ऐसा हुआ तो, ये मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ, ये मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ, ये मैं रिवार्ड की बात कर रहा हूँ, रिवार्ड की बात कर रहा हूँ। अब आप इसको इस तरीके से समझो, अरे यार आजा, ठीक है। तो रिवार्ड क्या है हमारे पास, तो 5% 10% 20% होता है, तो 5% को मैं लो मान के चल रहा हूँ, मान लो करूँ या जो भी करूँ लो ही मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मेरा जो रिवार्ड है वो लो है, 5% है,
अब दूसरा शेयर है जेपीपी पावर, मैं यहाँ पे ना ऐसे कर देता हूँ, जेपी इंफ्रा ये लिखता हूँ और इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देखिए। अब दूसरा शेयर है मेरे पास जेपी पावर, ठीक है, इसमें भी कितना है जो सर्किट है, यहाँ पे मैं सर्किट भी लिख देता हूँ, सर्किट 5% का। जेपी पावर में भी सर्किट कितना है, 5% का। डिलिस्टिंग का चांस है, नहीं है, ठीक है। तो रिस्क यहाँ पे क्या है, रिस्क यहाँ पे हमारा लो हो गया, यानी यहाँ पूंजी मेरा जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ हमारा रिस्क लो हो गया। और रिवार्ड कितना है, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, यहाँ भी रिवार्ड आप लो ही लेकर के चलिए, ठीक है। मैं इसमें जाऊँगा या मैं इसमें जाऊँगा, अगर मैं सेफ्टी देखूँगा तो ऑब्वियस है कि मैं इसमें जाऊँगा, ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि जब 5% के लिए मुझे जो है, सॉरी, 5% के लिए जब मुझे जाना है, 5% इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो मैं डिलिस्टिंग का रिस्क क्यों लूँ, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। या ऐसी और जो दूसरी कंपनी है, आर पावर ले लो, 5% है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, कम से कम उसमें डिलिस्टिंग तो नहीं होगा, डर तो नहीं है। और रिवार्ड कितना मिलना है, रिवार्ड हमको तो नहीं मिलना है, ये भी नहीं है कि अगर ये 20% ऊपर जाता तो रिवार्ड को हम इसको हाई में रखते कि भाई हाई रिस्क है तो हाई रिवार्ड है, नहीं, हाई रिस्क होने के बाद भी लो रिवार्ड है, तो हम लो रिस्क लेकर लो रिवार्ड क्यों नहीं लेंगे भाई। तो आपको सबसे पहला जो अप्रोच है आपका वो ये होना चाहिए कि मेरा जो पैसा है वो डूबना नहीं चाहिए, भले या बढ़े या ना बढ़े, ये आपका अप्रोच होगा तो किसी भी स्टॉक में लॉस होगा आपका, लेकिन कम लॉस होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, आपके पास सपोज जो है वो 100 रुपया है, परसेंटेज क्यों मैं ले लिया, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, आपके पास 100 रुपया है। अब आपको करना क्या है, तो परसेंटेज क्यों आ रहा है, परसेंटेज क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, परसेंटेज लगता है इससे ले लिया क्या, फॉर्मेट, अब परसेंटेज ही आ रहा बार बार, अच्छा ठीक है कोई नहीं, चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये फॉर्मेट लेता हूँ और ये यहाँ कर लेता हूँ, अब यहाँ पे 100 लिखूँ तो ये 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है। अब आपको जब स्टॉक में लगाना है तो आप क्या करेंगे, आपका जो 60% पैसा है, ये पैसा आपका जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है फंडामेंटली भी, जिसका बिजनेस भी अच्छा हो, उसमें आपको लगाना है, मतलब जिसको बोलते हैं ना ब्लू चिप, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू चिप टाइप का जो स्टॉक है उसमें आपको लगाना है। इसमें ग्रोथ आपका थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इसमें ग्रोथ आपका जरूर होगा और बहुत अच्छा होगा। आपका जो 30% पैसा है, ठीक है ना, वो आप लगाइए स्मॉल, मतलब स्मॉल नहीं बोलूँगा मैं इसको, और ब्लू चिप, और इसको मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है आपको। जो 30% पैसा है ये जो आपको लगाना है, ये आप लगाइए, मैं बोलता हूँ कि स्मॉल या मिड कैप हो चलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी ये चलता है, चलेगा मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन 30% में आप किसी बड़े में मत जाइए, और ये आप लगाइए शॉर्ट टर्म के लिए। और आपका जो 10% पैसा है वो आप लगा सकते हैं पेनी स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में, ठीक है, इसको आप कभी भी निकाल लो, इसको शॉर्ट टर्म में भी निकाल सकते हो, लॉन्ग टर्म भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। अब इससे क्या होता है कि
आपका जो 10% है ये आपके लिए रिस्क हो सकता है, ठीक है। ये जो 10% है ये 10% आपके लिए रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर ये 10% अगर आपका पैसा डूबा तो 90% तो आपका यहाँ ऊपर पोर्टफोलियो में यहाँ लगा हुआ है, तो 10% बहुत आसानी से रिकवर कर लेगा। 10% का लॉस 90% जो है वो बहुत अच्छा से, 90% का 1% होता है 9%, यानी इन दोनों मिला के अगर आपको 1% भी फायदा दिखाया तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका रिस्क बढ़ेगा। तो आपको अपने रिस्क को बैलेंस करके चलना है। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें तो याद रखिए 60% हमको लॉन्ग टर्म के लिए ब्लू चिप कंपनी में लगाना है, जो अच्छा कंपनी है, जो हमको पता है कि बढ़ना, जैसे टाटा पावर है, हमको पता है टाटा पावर 10 पे नहीं आएगा, 100 से 200 चला जाएगा, नहीं आएगा। HFCL है 50 से 100 चला जाएगा, 50 से 5 पे नहीं आएगा। तो वैसा कंपनी जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो, जिसका आगे का बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा हो, जिसका जो मतलब प्रोजेक्शन आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा हो, बहुत जिसका प्रोमिसिव फ्यूचर दिख रहा हो, आप 60% पैसा उसमें लगाएंगे और 30% पैसा जो आपको लगे कि ये कंपनी बहुत कम समय में ये कुछ अच्छा दे सकती है, अभी इसके अंदर उछाल है। जैसे जैसे जो आदमी दिसंबर में किसी भी फार्मा स्टॉक में जिसने इन्वेस्ट कर दिया, वो आदमी इस बार के सितंबर तक जो है अच्छा खासा पैसा लेके जाएगा शॉर्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि फार्मा ने बहुत ज़्यादा बूम दिखाया फिर इधर पिछले 6 महीने में कोविड आने के बाद, जो कोविड 2 जो आया है, तो वो हुआ शॉर्ट टर्म के लिए या स्वीट ट्रेनिंग के लिए। तो आपका ये तो पैसा धीरे धीरे बनाएगा, ये पैसा थोड़ा तेज़ी से बनाएगा, और ये या तो बहुत तेज़ी से बनाएगा या इसके अंदर रिस्क हाई है, हो सकता है डूब जाएगा, लेकिन ये दोनों मिल करके आपको डूबने नहीं देंगे। सो आपका पोर्टफोलियो इस तरह से डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और ये 60% से जब ये बढ़ेगा तो ये हो सकता है कि 2 साल में आपको जो है वो 60% या 1 साल की मैं बात करूँ तो 60% का ये आपको 90% आपका पोर्टफोलियो हो जाए। मे बी मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, आपका ये 90% का हो सकता है कि पोर्टफोलियो हो जाए, इसको मैं 90% करता हूँ, 90% का ये पोर्टफोलियो, ये आपका पैसा बढ़ के हो जाए, मतलब 30% और बढ़ जाए। ये जो 30% है 6 महीने में, ये हो सकता है कि आपका पैसा बढ़ करके अगर मैं ज़्यादा नहीं करूँ तो ये 50% हो जाए, ठीक है। लेकिन ये 10% जब आपका बढ़ेगा ना, तो ये 10% जब बढ़ेगा तो सीधा सीधी ये बढ़ा करके आपको 40% या 50% कर देगा, क्योंकि जो मल्टीबैगर होता है ना वो 400-500 गुना से कम नहीं देता है। तो अगर ये चल गया तो आपका जो टोटल आप देखेंगे तो 90-50-180% आपके पास आ गया। आप ये देखें 180% आपके पास आ गया पैसा। और अगर ये पैसा डूब गया 10% भी, तो 90 और 50 तो आ रहा है ना, यानी कि 140% तो यहां तक आप देखेंगे तो आ ही रहेगा, ये तो आ ही रहे हैं आपका पैसा। अरे यार, ठीक है, तो आपका पैसा तो सेफ रहा ना, 100% का फिर भी 140% हुआ, ये बढ़ा तो 100% हुआ। अगर ये पूरा का पूरा पेनी स्टॉक में डूब गया तो भी आपका इन्वेस्टमेंट तो नहीं डूबा ना। इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है या यूट्यूब में देखते हैं, दोस्तों लगा दो, दोस्तों ये कर दो, ये तो तहलका मचाएगा, ये तो ऐसे करा, वैसे चलेंगे आप तो नहीं। आपको पूरा वेल जो है सो अप्रोच के साथ चलना है, ठीक है। तो ये तो हुई 60% 30% आपको पोर्टफोलियो को जो डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो आपका 60% वाला जो है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 4 कंपनी होनी चाहिए, और इन 4 कंपनी में आपके पास जो होना चाहिए वो 50% जो है वो आपके पास एलोकेशन होना चाहिए। 4 कंपनी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 10 कंपनी रख लिया तो आपको ये पता है कि 10 कंपनी जब आप खरीदेंगे चलेगी तो उसमें से 3 ही 4 या 5 ही 6 सब कंपनी नहीं चलेगी आपकी,
और अगर आप 10 कंपनी और 20 कंपनी खरीद लिए तो पता चला कि किसी का 500 शेयर है, किसी का 200 शेयर है, किसी का 300 शेयर है, किसी का 150 शेयर है, तो उसमें से जो भी कंपनी चलेगा और खूब बेतहासा भी अगर चल गया तो आप कहेगा अरे यार मैंने तो इसके अंदर 200 ही शेयर लिया था, पैसा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जो जनाब आप हर किसी जो है सो स्टॉक को कैश करने के लिए निकल पड़े, अरे ये भाग रहा है ये भी ले लो, ये भाग रहा है ये भी ले लो, वो भाग रहा है वो भी ले लो, चाहे 100 ही ले लो, 100 लेके क्या महल खड़ा कर लोगे? 500 शेयर लेके महल खड़ा कर, उससे कभी भी महल खड़ा नहीं होता। वेल्थ क्रिएट करने का तरीका जो है वो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जो है जानने वाले, जो मैंने तो आपको बोला कि 15 साल से स्टॉक में है बट दे हैवंट मेड मनी। अरे यार क्या बताऊं यार, वो सलाह अदानी ग्रीन जो था 80 रुपया पे मैंने खरीदा था यार, समझे ना, उस वक्त मैंने 200 शेयर ही खरीदा, उस वक्त 2000 शेयर खरीद लेता यार तो आज बन जाता, आज ये 1000 रुपया क्रॉस कर गया, 80 रुपये पे मुझे कम से कम 2000 लेना था। क्यों? क्यों पैसे नहीं उनके पास, तो 10 शेयर में लगा रहे हैं। तो आपके पास 4 शेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से ये जो आपका जो ब्लू चिप वाला जो है 2 कंपनी भी चल गया और आपके पास बल्क में क्वांटिटी है, 15-15% सब में आपने किया हुआ है, तो पैसा तो आप ही बनाओगे क्योंकि आपके पास बल्क में है। रोज रोज कंपनी नहीं खरीदा जाता है कि रोज 4 स्टॉक खरीद लिए, तो ये आपको देखना है। आई जो 30% वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ, 30% वाला, इस 30% में जो है इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको जो है वो 4 कंपनी जो है, मैं 4 से आप 5 भी कर सकते हैं, उसको लेकर के चलना है। इसमें भी आपको कोशिश करना है कि हम इसके अंदर भी जो एलोकेशन है वो भी हम जो है सो वो 15% के आसपास जो है हम वो करके चले। इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है ना, ये अप्रोच होना चाहिए आपके पास। एक दो कंपनी ऊपर नीचे आप कर सकते हो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो ये सॉरी 15% कर रहा हूँ, किसी ने रोका भी नहीं मुझे। इसके अंदर भी आपको 7 जो है वो 5% वो होना चाहिए, ये 8% ले रहा है लेकिन 7.5% होना चाहिए। और ये जो 10% जो पेनियर, ये चीज है ध्यान रखना, इसके अंदर कंपनी बढ़ा लो आप अगर 4 से 6 कंपनी भी कर सकते हो, ठीक है ना, और इसको बढ़ा करके आप 5 से 8% का एक कर सकते हो, चूंकि ये आपका स्विंग ट्रेडिंग टाइप का है, इसको 5 से 8% भले कर लो। ये जो 10% वाला जो है पेनी स्टॉक्स, इसके अंदर भी आपके पास कम से कम 4 कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने जो ले लिया एक पेनी स्टॉक वही पेनी स्टॉक चला, नहीं, और इसके अंदर भी आपको 2.5% आपको लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। अब भय कि एक सेकंड यार, 2.5%, ठीक है, अब क्या है कि आपके पास पेनी स्टॉक 4 होंगे, उसमें से एक ही चलेगा भैया, सब नहीं चलेगा, एक ही 2 चलेगा, हो सकता है कि 2 नीचे आ जाए, 4 चल गया तो आपकी किस्मत, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, लेकिन कम से कम उसमें से 1 तो चलेगा, 2 तो चलेगा, और आपको जैसे मैंने बताया कि जब वो चलेगा तो कम से कम वो जो है 4 गुना के आसपास देता है, तो अगर एक भी चल गया ना तो आपने जो 10% जो पैसा लगाया पूरा पैसा एक ही स्टॉक आपका रिकवर कर देगा, और बाकी दूसरा जो तीसरा है 2-3 स्टॉक और जो है आपके पास वो चल गया तो और अच्छी बात है, तो आपका जो रिस्क है वो बहुत मिनिमाइज होगा इस केस में। तो ये जो तरीका है, अगर आप इस तरीके से ये चीज कर करके चलेंगे तो आपको मार्केट में जो है वो वेल्थ क्रिएट होगा। मैं वेल्थ क्रिएट करने की बात बोल रहा हूँ, पैसा कैसे बनता है, तो ये तो आपको यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है ना, तो आप इस चीज को कभी ना भूलें। लॉस होता है, मेरा भी स्टॉक में हुआ है मगर शेयर मार्केट में नहीं हुआ है, एंड देयर इज अ डिफरेंस। इफ आई से कि आई हैवंट लॉस्ट एनीथिंग इन अ स्टॉक मार्केट, इट डजंट मीन कि आई हैवंट बुक लॉस इन एनी स्टॉक, नो, अ स्टॉक इज द डिफरेंट थिंग, अ स्टॉक मार्केट इज द डिफरेंट थिंग। आई हैव बुक लॉस इन स्वास्थ्य विनायका, बट आई हैव बुक्ड मच प्रॉफिट इन सिनकॉम फॉर्मुलेशंस, और मेरे सारे लॉस रिकवर हो गए,
तो टोटालिटी में अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में मैंने कमाया ही गंवाया नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन के साथ चलता हूँ। आज मेरे पास नहीं है आर पावर, मेरे पास सब ऊपर भाग रहे हैं, मेरे पास ये क्या है पीएमसी फिनकॉर्प नहीं है ऊपर भाग रहा है, मेरे पास ग्रुप में बात होती है इसकी क्या नाम है एफसीएस सॉफ्टवेयर की नहीं है मेरे पास। तो जरूरी नहीं है कि सारा शेयर आपके पास हो जो ऊपर भाग रहा हो, और जिनके पास है भी उनको पता नहीं कि उन्होंने क्यों लिया। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप में था तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि यार ले लो, तो मैंने उसको ले लिया। उनके पास भी रीजन नहीं है, मैं वो काम नहीं करता मेरे भाई। अगर मुझे रीजन पता ना हो मैं उससे दूर रहता हूँ। आई ऑलवेज स्टे अवे ऑफ यू नो एनी काइंड ऑफ अ स्टॉक विच इज टोटली ट्रेडिंग ऑन स्पेकुलेशन, जो केवल न्यूज पे और उस पर चल रहा है मैं उससे बाहर रहता हूँ। तो ये मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने खुद ड्राइव किए हैं, अपने एक्सपीरियंस से मैंने ड्राइव किया है। और जैसे आपको पता है कि पहले जब योगा होता था तो योगा में लोग कहता था कि सूर्य नमस्कार करो, तो इसके अंदर वज्र आसन करो, तो ये करो। लेकिन जो रामदेव बाबा हैं इन्होंने खुद से एक ईजाद किया कि आप कपालभाति करो, आप भ्रमिका करो, आप अनुलोम विलोम करो, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो फार्मूला है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये मैंने खुद ड्राइव किया है अपने लर्निंग से, अपने उससे, क्योंकि मुझे, मैं आईटी का बंदा हूँ तो आई हैव हैबिट ऑफ यू नो स्टडिंग न्यू एंड न्यू थिंग्स। क्योंकि अगर आईटी में अगर मैं अपडेटेड नहीं रहूँगा तो कल को मैं पीछे चला जाऊँगा। आपको तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपडेटेड रहना ही रहना है। तो मेरे पास मुझे हैबिट है पढ़ने का, जब तक मेरी आँख न बंद हो जाए मेरा हैबिट है पढ़ने का। और उठने के बाद भी मैं आपको लैपटॉप पे ही मिलूंगा, आप कुछ मैसेज करते हो। रेयर कभी ऐसा होता है कि अगर मैं उठ के खाना खाने गया हूँ या कहीं और अगर हूँ तो मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं तो मैं रहता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ वो करते रहता हूँ। मेरे लैपटॉप पे मेरा सारा ऑफिस का भी काम होता रहता है, मेल वगैरह देखना, प्रपोजल किसी को भेजना, या मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है, और साइड में जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा व्हाट्सएप खुला रहता है। किसी का मैसेज आया टंग से, काम करते करते मैं सीधे गया और वहाँ मैंने जवाब दे दिया, फिर वापस मैं अपने काम में आ गया। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटा शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ। नो, दिस इज जस्ट माई हॉबी, इट्स नॉट माई प्रोफेशन। बाई प्रोफेशन आई एम एन आईटी प्रोफेशनल, मेरा मेन वो चीज़ है, मैं उसमें रहता हूँ। तो आप इसमें जो मैंने अभी तक स्टडी किया है, जो मैंने लर्न किया है, ठीक है ना, वो करके मैंने ये डिराइव किया है। एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस प्रिविलेज कि आई हैव बीन वेरी मच सक्सेसफुल इन दिस अप्रोच, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। तो आप लोग भी अगर ऐसे करके ना, आप नहीं लॉस बुक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तरीका जो है वो है आपका वेल्थ क्रिएट करने का, तब आप कर सकते हैं। आप 500 कंपनी खरीद लीजिए, रोज 10 कंपनी भागता है, कितना खरीदेंगे आप? लेकिन जिसको भी आप खरीदते हैं उस पर रहिए, एक तो ये तरीका है। अब मैं दूसरी चीज आपको बताता हूँ, मैंने नीचे आता हूँ, 3.19 रुपये पे सिनकम को मैंने वो किया था। मैं अगर इस पे आ जाता हूँ, ये ठीक है ना, 3.19 रुपये पे मैंने सिनकम फॉर्मुलेशन को लिया था, सिनकम फॉर्मुलेशन को लिया था। ये अप्रोच याद रखना मेरे भाई, सब लोगों को बहुत काम आएगा ये चीज़, ठीक है। मैंने सपोज 200 यूनिट मैंने लिया था, 200 मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने लिया, ठीक है। सिनकम जैसे ही 6.50 गया, ठीक है, मैंने इसमें से 100 क्वांटिटी सेल कर दिया। आज सिनकम 8 रुपये पे है, मेरे पास अभी भी 100 क्वांटिटी बचा हुआ है, ठीक है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 100 क्वांटिटी तो खैर मैं करता, मैंने शुरू में बोला कि उसे वेल्थ क्रिएट नहीं होता है, और मेरा सारा का सारा फ्री है। दुनिया चिल्ला रही है सिनकॉम को लेकर के, सर ये नीचे जा रहा है, सर मैं क्या करूँ सर, अरे भैया जब और क्या सर, मेरा ना 85 पैसे का जो है वो मेरा बाइंग है, मेरा 85 पैसे का बाइंग है सर, और वो ये तो भी नीचे आ रहा है, मैं कब तक इसको करूँ? क्यों भैया, तुमको तो मौका मिला था अपना इन्वेस्टमेंट निकालने का। मैंने 200 लिया था, अगर 200 क्वांटिटी अगर मैंने इस पे लिया तो सब जो कि मेरा 600 जो है सो 650 रुपये लगा, 650 रुपया मैंने अपना निकाल तो लिया 100 बेच करके, फिर भी 100 क्वांटिटी मेरे फ्री के हैं, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है सिनकॉम को लेकर के। और दिस इज नॉट ओनली इन सिनकॉम फॉर्मुलेशन, इवन मैंने आप लोग मुझे आई डोंट नो मतलब आई कांट एग्जैक्टली रिमेंबर कि आप लोगों को कब मैंने ग्रुप में ऐड किया है, लेकिन
मार्च में मैं स्टॉक मार्केट से बाहर हो गया था, ये मेरा, मैं आगे डिस्कस करूंगा उस, जब हम मार्केट क्रैश की बात करेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। मैंने ग्रुप में एक डिस्क्लेमर दिया था कि नाउ आई एम आउट ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सेप्ट पेनी स्टॉक्स। अगर कोई पुराने लोग होंगे तो शायद उनको पता होगा, मैंने एक ग्रुप में बताया था लोगों को, ठीक है। उस वक्त जब मैं निकला था भाई, तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास HFCL, मेरे पास FCL जो मैंने 42 रुपये पर रिकमेंड किया था, ये आज 90 पे ट्रेड कर रहा है, ये 18 रुपये पर रिकमेंड किया था, इसको मैंने HFCL को 18 पे रिकमेंड किया था, अभी तक जो है वो आपको मिलेगा मेरे जो है, बीच में मैंने पोस्ट भी किया था कि आपको कैसे कैसे किया था, मेरे पास HFCL मेरे पास 42 रुपये के रेट पर मैंने बाई किया था, ये आप मेरे पास जो था वो सुबेक्स जो था, ठीक है ना, ये मैंने 22 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था, मेरे पास जो तेजस नेटवर्क था जो अभी 190 पे चल रहा है, तेजस नेटवर्क वो मैंने 97 पे किया था, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे और आप विश्वास नहीं करोगे, ये सारे मेरे फ्री के स्टॉक्स थे पड़े हुए, और अच्छे अच्छे क्वांटिटी में पड़े हुए थे, अच्छे अच्छे क्वांटिटी में ये सारे स्टॉक्स फ्री के मेरे पड़े हुए थे, और इनसे जो मेरा इन्वेस्टमेंट निकला था उसको बेच करके मेरे पास जो था वो टाटा मोटर था, टाटा मोटर था मेरे पास जो था वो टाटा पावर था, टाटा पावर था मेरे पास, मेरे पास टाटा केमिकल्स था, ठीक है, ये टाटा के तीनों कॉम्बो मैंने लिया हुआ था चूँकि ईवी क्लेस है, उसके अलावा मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक था, बहुत सारे थे यार, मैं कितना बताऊँ। तो यहाँ से जो मैंने इन्वेस्टमेंट निकाला था, और ये मेरे ब्लू चिप में आए थे जो मैंने बोला ना 60%, ये इसमें से आए थे, इसमें से मैंने 60% निकाल लिया था अपना, और उन पैसों से जो मैंने इन्वेस्टमेंट निकाला उससे मैंने ये ईवी के सारे स्टॉक लिए थे, और ये सारे मेरे प्रॉफिट के बचे हुए थे। तो आप लोग का जो अप्रोच है वो अप्रोच ये होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप किसी में लगाते हो, जैसे ही आपका पैसा डबल होता है आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लो, यू विल नेवर बी इन लॉस, कभी भी आप नुकसान में नहीं रहोगे। ये तरीका है वेल्थ क्रिएशन करने का और लॉस में नहीं जाने का, और किसी एक में लॉस भी हो गया तो बाकी आपको ये चीज़ कर देंगे। और दूसरी बात, आपने अगर पूरी कन्विक्शन के साथ अगर 60% किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है ब्लू चिप कंपनी में, जैसे आज मैं HFCL, सुबेक, सीजी पावर, टाटा पावर, ये सब तो कंपनी है मैं देखता भी नहीं और मैं इसकी चर्चा भी नहीं करता, लोग जो है इस रोज इस न्यूज़ मारते हैं, मुझे देखना ही नहीं है यार, क्योंकि मैंने पूरी कन्विक्शन के साथ कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए इसको लिया है। मैं अब इसके अंदर जब भी देखूंगा कि मुझे क्या करना है, मैं 1.5 साल बाद देखूंगा, और नीचे आने पे मैं ज़्यादा एक्युमुलेट भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने अपना गोदाम फुल कर रखा है, मेरा जो टंकी है वो टंकी मेरा फुल है, अब उससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन था कि इसमें पैसा लगाओ 1 साल में बनेगा, तो मेरे पास क्वांटिटी अच्छा खासा है, तो मुझे अब नहीं करना है एक्युमुलेशन, नीचे भी आएगा तो नहीं करना है, हालांकि समझदारी की बात है लेकिन नहीं करना है। तो मेरा वो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग इस तरीके से पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे 60-30-10, और उसके अलावा फिर आप इस तरीके से अगर आप कंपनी लेके चलेंगे कि हमको कितना कितना कंपनी करना चाहिए, और आपके पास क्वांटिटी होगा सर तो आप पैसा कमाओगे। अगर आपके पास चिंदी चोरी वाला जो बातचीत होता है कि 100 है और 50 है 200 है, आप नहीं कमा पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके अंदर 4 लाख लगाओ, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 50,000 का भी पोर्टफोलियो है इसमें अमाउंट पर, तो 50,000 पोर्टफोलियो को भी 60-30-10 में डिवाइड करो। अगर आपके पास 10,000 का पोर्टफोलियो है तो 10,000 को भी 60-10 और इसमें करो। ये मत बोलो कि सर 10,000 में क्या डिवाइड करूंगा, कितना खरीदेगा, क्यों? मैंने तो पोर्टफोलियो में बोला कि टोटल पोर्टफोलियो का जो जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका उसको आप ऐसे करो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका वेल्थ बनेगा, ऐसे करोगे तो आप लॉस से बाहर रहोगे, ठीक है। अदरवाइज अगर जैसे लोग ये चीज कर रहे हैं ना कि आज SBI 500 तक जाएगा, तो 500 तक जाएगा तो दबा के रखो, पता चल रहा 4 दिन के बाद SBI से निकल गए। एयरटेल इतना तक जाएगा, पता चला 10 दिन के बाद निकल गया, ऐसे नहीं। कन्विक्शन के साथ अगर आपने 4 कंपनी लिया है तो आप जो है सो बने रहो। बहुत दिन से दीपेंद्र है स्टॉक मार्केट में, पता नहीं दीपेंद्र है या चला गया। हाँ, दीपेंद्र है स्टॉक मार्केट में, दीपेंद्र का भी पोर्टफोलियो साइज ठीक ठाक है, चूंकि हम लोग यहाँ पर डिस्क्लोज करने के लिए नहीं है कि सर कितना है, पूछ लो दीपेंद्र के पास कितनी कंपनी है, और उससे ज्यादा कंपनी आप लोगों के पास होगी। दीपेंद्र कितना कंपनी आपके पास? 3 कंपनी है, सोच लो आप।
लेकिन वो जो तीनों हैं वो तीनों जो है सो समझे ना, तो आप ये सोच लो। तो ये तरीका है बॉस कि आप ना 50 कंपनी मत करो, बस इसी तरीके से पोर्टफोलियो को डिजाइन करो, आप इतना आप लेकर के चलो, आपका वेल्थ क्रिएट होगा और आप बने रहो। कंपनी अगर अच्छी है तो, अभी हमने कुछ दिन पहले दिया था ना धूमसेरी का एग्जांपल, कुछ दिन पहले, कि कंपनी कितनी सॉलिड है क्या है, और कंपनी नीचे भी जा रही थी। मेरा जो बाइंग है वो 200 से ऊपर का है, और दीपेंद्र का भी बाइंग है 210 से ऊपर का, मेरा भी 210 के आसपास का है, ठीक है। और कंपनी नीचे जा रही थी, और इसने सुमन ने, अभी सुमन भी शायद ग्रुप में है ही, सुमन ने उसको 180 प्लस पे कुछ पे खरीदा है। कितना का है सुमन तुम्हारा बाइंग? 189। अभी क्या प्राइस चल रहा है? 230। देखा आपने? तो जब नीचे जब जा रहा था तो हमने बेचा नहीं उसको, क्योंकि मेरे लिए, हम लोगों के लिए हीरा है वो, और वो हमारे 60% में है। तो जब आप फंडामेंटल देख करके जब आप ये ब्लू चिप चुनते हो ना, जिम चुनते हो, उसको साल दो साल तक देखो ही मत, एक साल तक देख, जो भी आपका व्यू है एक साल तक देखो ही मत, वो आपको पैसा बना करके देगा। और आप इस तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, आपको जो है वो बिल्कुल देगा, और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमेशा अपना निकालने की कोशिश करो, तो आप हमेशा फायदे में रहोगे। और जो पेनी स्टॉक आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये ही जो है आपको, भले 10% का हो मगर ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, और इस तरीके से होना चाहिए जिसमें कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और पेनी स्टॉक्स, और इसी प्रपोर्शन में होना चाहिए। आपको मार्केट में कभी भी वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आज का मैं लास्ट करूंगा, चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इस पे किसी को कोई क्वेश्चन, या दीपेंद्र कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे आप, जो कि आपको लगता था कि मुझे करना चाहिए था? ठीक है ना। हाँ, किसी को कोई कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं ना, तो आज इसको यही क्लोज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ी होगी। तो आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का मैं जवाब दूं। और इस सीरीज का जो अगला वीडियो है वो भी आप जरूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।